क्या कह रही नाश्ता देख के लगेगा शक्ल से वैसे ही कैसे पढ़ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जल्दी जल्दी काट दो सारा, मैं तो जीना सा मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें चल रही थी। अरे बस गिलास उड़ गया इसलिए इसमें पीने पड़ रही है। शुक्र है गरम भाई की बिरयानी। इरशाद इरशाद शायरी सुना रहे थे पापा। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। हाँ बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। मर्जी है आपकी मम्मी, मर्जी है आपकी, आधा गुड्डू या पूरा गुलफाम लीजिए। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे गाइस। आप लोगों की दुआ मेरे साथ है, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ऐसे अपना प्यार दिखाते रहो मेरे यूट्यूब चैनल पर। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो में बढ़ने से पहले ढेर सारे कॉमेंट्स कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो मेरी न्यू वीडियो आप तक मतलब जो मेरी न्यू वीडियो है वो आप लोगों तक पहुँच जाए। फटाफट से बेल आइकन को दबा दो, सब्सक्राइब कर दो और बढ़ते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो गाइस आज है शब बारात, मतलब जब तक आप तक ये ब्लॉग आएगा तब तक तो चली जाएगी खैर। तो फिर भी बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को, दुआओं में याद रखना हमेशा से ही मुझे, मैं तो आप लोगों को याद रखती हूँ। तो बढ़ते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस नोनू का दूध हो चुका है रेडी, बॉर्नविटा वाला जो कि ये न, और हम ये चाय अभी रखी नहीं, मैंने सिर्फ दूध रखा। फटाफट से आगे चाय रखूंगी, इसको दूध दे करके आते हैं। ये लो भैया, ये चाय पी लो। हाँ गाइस चाय पी लो, बहन फोन छोड़ के चाय पी लो। चलो गाइस नाश्ता करते हैं। सो गाइस नोनू यहाँ पे आ चुका है सामान लेकर के। क्या क्या लेके आए ब्रो? सो हमने इससे मंगवाए थे शामी कबाब का कीमा, चावल, दही वगैरह सब कुछ उठा करके लिया। आप खाना वाना बनेगा और मैं आप लोगों को अंदर दिखाते हैं दोनों क्या कर रही हैं। लोग ना मेरी वीडियो देख रही हैं, एक ये मेरे कपड़े रखे हुए हैं आयरन होने। तो गाइस कशिश यहाँ पे कर रही है प्रेस अपने कपड़ों पे इतनी मुश्किल से, और एक तो कर दे कर तो रही है बिहाइंड ही दिखा सकती हूँ सिर्फ आपको। गाइस मैं तो तैयार वैयार हो गई अपने बढ़िया, सुबह ही सुबह नहा ली थी मैं, इन नालायकों की तरह नहीं हूँ मैं ना 10 बजे ही नहा ली थी। वाह क्या स्टाइल है, वाह क्या स्टाइल है, गालियाँ आपके लिए, सॉरी तालियाँ आपके लिए। फाइनली गाइस जैसे कि आप सब लोग देख ही सकते हैं कि अंदर अर्शी आयरन कर रही है, मतलब प्रेस कर रही है, वो भी लॉट मचा मचा के। मैंने ब्रांड के कुर्ते पजामे पे कर दी थी और अपने सूट पे कर ली थी, और घर की साफ सफाई वगैरह मैंने सब कर दी है। और मम्मी शायद अब कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए जा रही है क्योंकि पापा आ रहे हैं, तो फटाफट से अपने कपड़े वगैरह नहाते धोते हैं, फिर कपड़े चेंज करते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर कुछ खाने के लिए शायद पापा लेकर के जा रहे हैं कहीं दोपहर में लंच के लिए। तो अब मिलते हैं आप लोगों से आगे, पहले रेडी होते हैं। सो गाइस पापा आ चुके हैं और अब हम चल रहे हैं खाने पीने के लिए। प्रीति वुमन देखो देखो ना, प्रीति वुमन, ओ मेरी बहन कहाँ गई? खोल भाई परेशान ना कर यार, एक ही परेशान करता है। हेलो सिस्टर। हेलो गाइस। हेलो गाइस कौन कौन डाले तो 500 रुपए पेटीएम करा देती है। आधा अच्छे लग रहे हैं हम, तुम्हें क्या लगा रखा है? बढ़िया चल रही है। सो गाइस यहां पे आ चुके हैं हमारी प्रियानी जो कि अर्शी ले रही है अपनी स्ट्रीट। ये भाई तुमने कुर्ता पजामा नहीं पहना? हाँ घर जाके पहने गए। हमी और मेरी भी बिरयानी आ चुकी है, फटाफट से बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सो गाइस हम यहाँ आ चुके हैं गरम भाई की बिरयानी खाने के लिए। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ, बहुत फेमस है। मम्मी यहाँ बैठी है, पापा यहाँ बैठे हैं, कशिश यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं वीडियो बनाती थी इसलिए मैं दिख नहीं रही थी। गाइस आता ही होगा, मैं दिखा दूँगी आपको। छिपा दी फोन नहीं छिनवाई, फोन नहीं छीना तेरा फोन। सो गाइस क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रही थी बोल रही को मैंने मना नहीं किया था, यही है गाइस वो आदमी जिसने बोल रही को मना किया जा रहे हैं पापा पे। मेरे पापा कभी किसी चीज को मना नहीं करते। पीने के लिए मेरा भाई लेके जो आ गया। हाँ तो फ्री की चीजें तो सबसे पहले लेनी चाहिए ना। हाँ जल्दी जल्दी काट दो सारा, मैं जीना सा मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें चल रही थी। अरे क्या मतलब मेरे पापा की सेटिंग है? पैसे डाल रहा था, कौन पैसे डाल रहा है? आजकल के कपल गोल अम्मी का मैसेज आया गाइस। सो फाइनली गाइस अम्मी का मैसेज आया कि चावल भिगो दो। हाँ गाइस हम लोग घर पे आ गए थे,
और मम्मी पापा गए हुए हैं खाला नानी और मामी को लेने के लिए, ताकि वो यहाँ के इबादत करें, मतलब शबे रात की इबादत वो आज यहीं पे करेंगी गाइस। यस गाइस, आज हमारे घर पे सब आएंगे गाइस। रौनक होगी गाइस। वो नाश्ते का सामान कहाँ पे? घर के अंदर ही है, वॉशरूम में गया है, अब नाश्ते का सामान लेने जाएगा बस। नल्ला बेचारे को बताऊंगी थोड़ी, वॉशरूम में बैठा पड़ा है। तो गाइस वो आएगा यहाँ पे नाश्ते का सामान लेने जाएगा और मम्मी पापा यहाँ पे आएंगे। ओ तुम्हारी रिंग। तो गाइस ये वही रिंग है, देख लीजिए, जो चोरी हो गई थी। चोरी हो गई थी, आई मीन घूम गई थी, चोरी हो गई थी मेरी हरकत देख। चलो ठीक है गाइस, अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए, फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे। सो गाइस उमरान सामान लेके आ गया है, इसमें गेट तो बंद कर दिया था। इसमें पता नहीं क्या है गाइस, मैं दिखा देती हूँ आपको। देख गेट खोल के चला गया। इसमें बिस्किट है ये वाले गाइस, वो तो आप निकले नहीं देख लोगे, और इसमें शायद से पेस्ट्री वगैरह ये बंधी हुई है गाइस, वो आप जब नाश्ता लगे जब देख लेना। और कोल्ड ड्रिंक है, और यहाँ मैं अखनी चढ़ाने जा रही हूँ गाइस। और ये कशिश आप यहाँ पर बर्तन धो रही हूँ उमरान की स्वेट शर्ट पहन के। गेट बंद कर रहा हूँ, गेट खोल। बेचारी गेट बंद करने जा रही है गाइस। ये उमरान दोबारा क्यों आया, ये कुछ भूल गया है शायद। गेट बंद करके जाइयो। और काम वाम कुछ नहीं कर रहा है, मैं जा रही हूँ अपनी चढ़ाने, तब तक के लिए स्टेडियम थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे, बाय बाय। तो गाइस नानी आ गई है, देखो आप, और समायरा भी आ गई है, और अमन भी आया खाला का। खाला नीचे तुम्हारी तुम्हारी खाला का हाय मामी, ले ली। हाय समायरा, सलाम कर दो गाइस को, सलाम कर दो। मम्मी भी आ चुकी है, धीरे धीरे सब एंट्री ले रहे हैं। अमन पूरे दिन मतलब अमन बाथरूम का गेट बंद कर रहे हैं, साफ कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस खाला भी एंट्री मार चुकी है। ना रहते तुझ पे से कुछ बच्ची नमाज पढ़ रही है उधर। अच्छा तो गाइस मैं दिखाती हूँ, समायरा नमाज पढ़ रही है, दुआ पढ़ रही हो गाइस, सुने ये नहीं बहुत तेज है। क्या पढ़ रही हो समायरा, क्या हुआ, क्या कलमा? अच्छा इसे के कैसे पढ़ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसे देख के अच्छे से लग रहा है, गुड वाइब्स आ रही है। तो गाइस चलते हैं अपने काम की तरफ, कशिश की थोड़ी मदद कराते हैं, आप तो बेचारी ज्यादा मजदूरी कर रही है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस। फाइनली गाइस मेरे बर्तन वगैरह सब कुछ धुल चुके हैं, और मैंने स्लिप वगैरह भी सब साफ कर दी, और अर्शी लगा रही है नाश्ता। क्या होगा इसका जिंदगी में, किसे नाश्ता लगाना तक नहीं आता, ये पूछ रही की सही है, पेस्ट्री तो सही ही है भाई, मतलब देख ले दो इसमें, दो इसमें। हाँ सही है, साइडों में चम्मच रख दो, और बाकी नमकीन लगा सकती हूँ एक में एडजस्ट करके। चुपचाप ना ऐसे ढंग से लगा दे, से नाश्ता लगाना नहीं आता जिंदगी में, इसका रिश्ता कैसे लगेगा मुझे ये बताओ। तो मेरे नाश्ते की उनको क्या पता, क्या कह रही, नाश्ता देख के नहीं लगेगा शक्ल से। तो गाइस अब मैं ना बिरयानी का मसाला रेडी करने के लिए जा रही हूँ, नाखनी तो रखी थी जैसे कि आप लोगों को बुलाती हूँ अपने सपोर्टर को। एक मिनट साली नाश्ता लगा ले, तुझे नाश्ता नहीं लग रहा है। तो गाइस अब चलते हैं बिरयानी का मसाला वगैरह काटते, तो बिरयानी का मसाला वगैरह काट करके फिर आप लोगों को दिखाते हैं अंदर का नाश्ता वगैरह जो लग रहा है, और अंदर की जो अंदर की बात वगैरह हो रही है सब लोग कर रहे हैं, थोड़ी आप लोगों को शुक्रिया सुना देंगे घर की। तो गाइस मैंने ग्लास धुलवा के साफ कर दिए हैं, और अब मैं जा रही हूँ अंदर इन्हें लेके पेप्सी के लिए, और दिखाती हूँ अंदर क्या चल रहा है। ये स्लिप पे चढ़ के पता नहीं क्या कर रही, हाँ ये मसाला काट रही बेचारी बिरयानी का। बहन ये बंद कर दियो जरा, बर्तन धो रही थी खड़े खड़े। हाँ यार ये थक गई, देखिए गाइस कैसे बर्तन धो रही है। और मैं लेके चलती हूँ ये ग्लास, और अंदर का नजारा दिखाती हूँ गाइस, अभी मेरे से गिर जाते। तो गाइस यहाँ पे मैंने नाश्ता लगा दिया है, और नानी बैठ रही है यहाँ पे, और मामी बैठी है, खाला बैठी है। और तेरा हुलिया दिखाऊं दोबारा से वापस? नहीं अभी हम तैयार होंगे गाइस। सो गाइस पापा भी आ गए थे हमारो, इरशाद इरशाद शायरी सुना रहे थे पापा। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, हाँ बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, मर्जी है आपकी मम्मी, मर्जी है आपकी, आधा गुड्डू या पूरा गुलफाम लीजिए। सो गाइस मम्मी ने यहाँ पे जैसे कि जब तो मैं खैर वो क्या था वो मसाला काट रही थी, और अम्मी ने बिरयानी भी चढ़ा दी, और अब फुलके की तैयारी कर रही है दही फुलके की, और यहाँ पे बनाया मैंने पापड़ थोड़े से बच्चों के लिए, और खाला वगैरह के लिए, और इन्हें अंदर दे करके आते हैं। सो फाइनली गाइस जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि अर्शी रेडी हो गई है, और अर्शी अब मेरा लुक दिखाएंगी, ये दिखाओ। सो गाइस कशिश भी रेडी हो चुकी है, अच्छी लग रही है। वैसे हम दोनों की चप्पलें सेम है गाइस, सेम है, चलो सेम बट डिफरेंट। मिलते हैं आप लोगों से आगे, बाहर की तरफ, सी ट्यून।
हैं गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ चुके हैं अब बर्गर खाने के लिए। नहीं मैं काट दूंगी, जब मैंने घुमाया है तो लोगों का क्या है, लोग तो आते हैं, अब क्या लोगों को काट के फिर आ रहे हैं आने। तो अब गाइस हमने यहाँ पे चिकन फ्राई के लिए बैठे हैं और चिकन फ्राई ऑर्डर करके अब आते ही आप लोगों को दिखाते हैं। गाइस हम आ गए दरियागंज, हम आ गए दरियागंज, जाओ मस्जिद बोले तो। अब हम लोगों ने गेट के अंदर एंट्री ले लिया। ये आ गया हमारा चपाती और चटनी गाइस, ये यहाँ पे सलाद चटनी खा रही है, खा खा रही हूँ, अभी तो देख ही रही हूँ, इसे भूख लग रही है ना इसलिए गाइस। यस गाइस, आप ठीक कर लूँ गाइस, कर लो। हमारा चिकन फ्राई आ चुका है जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं। सिस्टर हाय। चलिए गाइस बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं चिकन लेग पीस के लिए। हमारे दो लेग पीस खत्म हो चुके हैं और इसको देखो कैसे खा रही है। ओए ओए चिकन लेग पीस। ग्लास के अंदर कोल्ड ड्रिंक पीती हुई और एक मैं, मेरा ग्लास उड़ गया है ये बता दो, ग्लास उड़ गया है इसलिए इसमें पीने पड़ रही है। चलिए गाइस अब मिलते हैं आप लोगों से। अब गिर गया ना, क्या करूँ, अचार तो अब इसमें पी लूंगी। तुम्हें कैमरा बंद करने को किसने कहा? तो गाइस जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि आज हमारी यूट्यूब वीडियो के अंदर एक न्यू मेंबर एडिट होने वाला है और वो न्यू मेंबर आई एम सुहान, जिसने मेरी रील्स इनके साथ देखी होंगी जो इंस्टाग्राम पे हैं, उनको पता ही होगा ये कौन है। ही इज माय बेस्ट फ्रेंड और वो कैसा दोस्त है, प्यारा प्यारी दोस्त है, प्यारी दोस्त, सबसे अच्छी दोस्त है अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। चलो चलो सुहान दिया सर के लाइट गाइस। तो गाइस मैंने इनका खाने टाइम, मतलब खाने के टाइम ब्लॉग नहीं लिया था जो कि मैं आप लोगों को बताई थी। अब मैं सोच रही यार वहाँ पे इतनी भीड़ भड़क हो रही थी तो हर किसी को खाने में क्या इंट्रोड्यूस करवा थी, तो मैंने सोचा हम मिल के खड़े होंगे। तो हाय बोलो, चलो सब्सक्राइब द चैनल गाइस, बोलो सब्सक्राइब करें, मेरे बोलने से क्या होगा, बोलो ना सब्सक्राइब द चैनल। हाँ और बोलो शब कदर मुबारक गाइस, तेज की बोलो शब कदर मुबारक, तेज की बोलो। जय माता दी, चला रही है। तो गाइस अब चलते हैं कुछ खाने के लिए लाइक स्वीट एंड ऑल, फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे, तब तक के लिए लगवा लिए चॉकलेट वाली आइसक्रीम और अर्षित तो इतने में खा के भी निबट गई है। ओ सॉरी गाइस, यस गाइस लाओ हमारी कोन्स दे दो बहन। ओ हमारी दोनों की में से क्यों मर रही है सुहान। मुझे पोज करके दिखाना है इस कुर्ते के अंदर होने वाला कौन सा वाला, वो कौन सिग्नेचर पोज, इट्स सिग्नेचर पोज है ना, डन ना, आइसक्रीम खा लो गाइस, और मैं कर दूंगी ये अच्छी काम गई, भटकते फिर रही है तो दूर से दूर तक नजर भी नहीं आ रही, तो हमें बैठे हुए लोग इधर आइसक्रीम खा रहे हैं, जाके इबादत भी करनी है, इन्हें कब्रों पे जाना है, किस किसकी कब्र पे जाना है, दादा सेफ के, ठीक है ना दादा, तो तुम तो दादा ही मान रहे हो ना, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, जैसे आप सब लोग देख सकते हैं कि हम घर पे आ चुके हैं और मम्मी तुम क्या क्या कर रही हो, क्या हमारा वेट कर रही थी हमारे, तो गाइस हम लोग घर पे आ चुके थे और सुहान वगैरह सब घर पे चले गए थे, मतलब अपने तो हम लोग दिखा नहीं पाए थे भाई। तो एंट्री गेट पे एंट्री दे चुकी हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, चल रहे हैं, चलिए आइए एक मिनट। ओम फो बहन तुम तो हीरोइन लग रही हो। तो गाइस जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि वो लोग वहीं से चले गए थे, हम लोगों ने वहीं से बोल दिया था और घर से फोन आ रहे थे फटाफट से कि भाई घर पे आ जाओ खाना ना खा लो, पर उन्हें क्या पता हमने तो बाहर ही खा लिया था और हम स्पेशली खाने पीने और रौनक देखने गए थे, माशाल्लाह सब कुछ खा पी के फिर घर पे आ गए। और भाई अब चलते हैं इबादत करने के लिए, नानी खाला वगैरह मामी सब घर पे ही है, ये लोग पढ़ाई वगैरह कर रहे थे, शायद नमाज भी पढ़ ली, तरावी पढ़ी है, और मम्मी बोल रही हूँ फिर से, पापा और उमरान गए हुए हैं दादा की कब्र पे, तो वो लोग भी आएंगे तो दिखाएंगे, फटाफट से चलते हैं अपना थोड़ा हुलिया चेंज करते हैं, हिजाब मेकअप रिमूव करते हैं, फिर करते हैं बाय गाइस, है ना बहन। तो गाइस देखो ये फोन में लगी हुई है, क्या देख रही हो तुम, शॉर्ट्स देख रही है, तो नानी नमाज पढ़ने खाला पढ़ के चली गई और ये कपड़े चेंज कर रही है, इनके कपड़े चुभ रहे हैं, क्या कह रही हो, बहुत बुरी लग रही हो, और ये अंदर आप लोगों को दिखाते हो, या मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, ये कपड़े चूज कर रही है, मेकअप वेकअप धो ले चल, शायद तूने दिया था, ये रिमा। तो
तो गाइज अब कशिश जा रही है नमाज पढ़ने के लिए। पता नहीं मेरे हाथ में क्या हो रहा है, देखिए गाइज एलर्जी सी हो रही है, पिंक रेड रेड हो गया गाइज। फालतू चीज छोड़ के वजू कर लो, रात चल। हाँ आ रही हूँ, पता नहीं गाइज क्या हो गया, देखिए। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नमाज पढ़ रही है, ये यासीन पढ़ रही है और ये लेटे पढ़ रहे हैं मजे से, और ये समायरा ये यहाँ पे ये भी लेटी हुई है। तू ऊंट पे रहा है। और गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों नमाज पढ़ रही हैं, नानी वहाँ तस्बीह पढ़ रही हैं। तो सब जगह घूम लियो। तो गाइस अब यहाँ पे उमरी नोनू कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, यासीन। गाइस यहाँ इबादत चल रही है, हम कुछ खाएंगे, हमने तो पढ़ लिया, थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो गाइस दही फुलके पलटते हैं, निकाल के लिए चलते हैं फिर खाने के लिए। सो गाइस अब यहाँ पे मामी भी आ गई हैं। ये लो सिस्टर, मुंह खोलो। आ गाइस इनकी यासिनों का हिसाब चल रहा है, 8 हो बची हैं, 7 बची हैं। सो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने चाय रख दी है, और अब अर्ष यहाँ पे बिरयानी शिरयानी गर्म करने के लिए बहन सैरी करने जा रही होगी अभी से ही। नहीं, दो बार खा लूंगी। वैसे ये तो भूख झेल लेती है, मेरे से मेरा क्या होगा। चलिए गाइस अब चलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो गाइस, तुमसे सामान मंगवाया था लेके नहीं आया, तो तुम लोग गाइस हमारे दो प्लेयर आउट हो चुके हैं। वैसे भी अर्शी को कोई काम बताओ तो उसको पहले उससे नींद आ जाती है। अब चलते हैं गाइस, खाना होना लग रहा है। मैं जाऊं बिरयानी गरम करके दाओ। हो गई होता, चलो मैं जाऊं। सो दोनों मेरे भाइयों को शुक्रिया, इतनी रात में जाकर के सामान लेके आया भाई, इनकी मेहनत है, बाहर से जाके ले गया। शुक्रिया, स्कूटी की चाबी पकड़ा दी। तुम स्कूटी लेके गए थे? नमूनों पुलिस वाले इस टाइम बहुत होते हैं। सो गाइस माशाल्लाह से दस्तरखान आप सब लोग देख सकते हैं लग गया। अर्शी तो बिरयानी खा के सो गई, और इधर ही खाला बैठी हुई है, मम्मी भी आ रही हैं, बस बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं कि मम्मी नानी को फोर्स करते हो कबाब खा लो। सो गाइस सहरी करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग ये केक के पापड़ लेकर आए थे, और ये क्या कर रही हो, चाय बना रही हो? और चाय और दूध लेकर के जा रही है, ऑटावा दूध लेके जा रही है अंदर सबके लिए। सो गाइस अब यहाँ पे दूध और चाय वगैरह सब आ चुकी है, और एक केक रस वगैरह फटाफट से। चाय कैसी है? दूर है ना दूध है नहीं, कैसी है? आपने घूट भी नहीं मारा एक? कैसी है नानी? नानी नवासी तो हमें झूठी घूट भी ना मारा। चलो तो अब तुम्हारे पास नहीं है नानी, तुम चिढ़ रही हो, तुम्हारी नानी होती वो भी तुम्हारी तारीफ करती। मेरी नानी का तो जवाब नहीं। अरे अब नहीं है ना, मेरी नानी के मेरे। चलो चलो जाओ यहाँ से, ये मलाई डाल रही है। अरे अभी नुकसान देखो, रोजा रखो में तरावट रही गले में। अरे वाह वाह वाह, क्या सोच है। सो गाइस पापा भी उठ के आ गए थे दुआ करवाने के लिए, और माशाल्लाह से दुआ भी कंप्लीट हो चुकी है, अदा हो चुकी है, पूरे सबने दुआ कर लिया है। और अब फटाफट से पानी वगैरह पियेंगे, फिर अपना रोजा रखेंगे। तो उसमें मैंने पानी मांगा था, ये देखो गाइस सस्ते पंजे लड़ा रहे हैं दोनों यहाँ पे। जान लगा लगा के ये नोनी 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 आमान आमान आमान। अच्छे फ्रेंड्स अपने नमाज पढ़ ली थी, और अभी ये लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। नानी ने फोन लिया था वीवो का, यहीं से लेके आई है, अच्छा लग रहा है। और ये समायरा भी रेडी हो गई, तैयार कर रही हूँ। समायरा जा रहे हो तुम? ये सब यहाँ पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, और उधर वो सोई पड़ी है, इनको उठाओ पहले। बहन फजर की नमाज पढ़नी है, उठ जाओ। नहीं हूँ, उठो उठो सिस्टर, उठ गई, चलो उठ जाओ, बहुत जल्दी उठ गए आज तुम। पापा अल्लाह हाफिज चाहिए, अल्लाह हाफिज नानी, बाय बाय समायरा। वालेकुम अस्सलाम। सो जाओ मेरो, आ जाओ लेट जाओ। लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो ढेर सारे, फटाफट से कमेंट्स में अपना नाम बता देना और कहाँ से बिलोंग करते हो आप लोग, मतलब दिल्ली बांग्लादेश कोलकाता जहाँ से भी आप लोग, पाकिस्तान अफगानिस्तान जहाँ से भी, फटाफट से कमेंट्स में बता दो कहाँ कहाँ के फैंस हैं मेरे। और सब्सक्राइब द चैनल। गुड नाइट, बाय बाय।